हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनियन पाठशाला। मैं हितांशी त्रिवेदी आज लेकर आई हूँ बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के कुछ ग्रेट साइंटिस्ट्स के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट्स हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल। ओके, आप देख सकते हैं यही है एरिस्टोटल। ओके, तो ये जो थे ये बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर थे। ओके, बायोलॉजी यानी लाइफ की स्टडी और जूलॉजी यानी जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। ओके, अब इन्हें बायोलॉजी का फादर क्यों कहा जाता है? तो एरिस्टोटल जो थे वो लेस्बोस नाम के आइलैंड में 5 साल रहे थे। ओके, लेस्बोस नाम के आइलैंड में 5 साल रहे थे और उन्होंने एनिमल्स पर बहुत रिसर्च किया। ओके, एनिमल्स पर उन्होंने बहुत रिसर्च किया, ठीक है। और फिर इन्होंने एनिमल्स की एक बुक भी लिखी जिसमें हमें एनिमल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ओके, तो इनका बहुत बड़ा रोल था बायोलॉजी में, जूलॉजी में, जिसके वजह से इन्हें फादर डिनोट किया जाता है बायोलॉजी का। ओके, इन्होंने ही बेसिक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज के बारे में बताया था। किसके किसके? प्लांट्स और एनिमल्स के, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल्स है उसमें क्या क्या सिमिलर है। ओके, क्या क्या सिमिलर है? जैसे न्यूक्लियस है, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम एनिमल और प्लांट्स दोनों के सेल्स में देखेंगे। ओके, तो ये थे हमारे पहले साइंटिस्ट एरिस्टोटल, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट को, थियोफ्रेस्टस। आप देख सकते हैं यही है थियोफ्रेस्टस सर, जिन्हें हम बॉटनी के फादर कहते हैं। ओके, थियोफ्रेस्टस क्या है? बॉटनी के फादर। बॉटनी में क्या हम पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हें बॉटनी का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्लांट्स पर स्टडी की थी। ओके, प्लांट्स पर स्टडी की थी, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी थी प्लांट्स के बारे में, जिसमें प्लांट्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। जिसमें से एक बुक है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ओके, और इस बुक में इन्होंने जो प्लांट्स थे ना उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था, ठीक है। जैसे उनके साइज पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, उनके क्या क्या यूज हो सकते उसके लिए अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। प्लस थियोफ्रेस्टस सर ने ही प्लांट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, ठीक है। 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स, ठीक है। ट्रीज यानी बड़े बड़े पेड़ जो हम देखते हैं, जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, बनियान यानी पीपल का पेड़ आपने देखे ही होंगे, वो उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रीज, ठीक है। श्रब्स यानी छोटे छोटे पौधे, जैसे तुलसी हो गया, रोज हो गया, आपने देखे ही होंगे तुलसी के पौधे, वो बड़े बड़े पेड़ जैसे तो नहीं होते, उनके बहुत बड़ा स्टेम हो या बहुत बड़े बड़े तने हो वैसा तो नहीं होता है, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें ही हम श्रब्स कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है अंडर श्रब्स। अंडर श्रब्स यानी अब जो तुलसी का पौधा होता है ना, जैसे बहुत छोटे छोटे ऐसे स्टेम्स निकले हुए तुलसी के पौधे में, ठीक है। क्रैनबेरी में क्या होता है, यानी अंडर श्रब्स में क्या होता है? इससे भी छोटा स्टेम होगा, ठीक है, ऐसे। यानी ये जो अंडर श्रब्स होता है ना, वो जमीन के बहुत ही पास रहेंगे, ठीक है, लैंड से बहुत ही नजदीक रहेंगे। ओके, उसके बाद आते हैं हर्ब्स। चौथी कैटेगरी क्या है? हर्ब्स यानी वीट, गेहूं का पौधा आपने देखा होगा, सरसों का पौधा आपने देखा होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? हर्ब्स। तो थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को 4 कैटेगरी में बांटा था, कौन कौन सा? ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स, और इन्हें हम बॉटनी का फादर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे तीसरे साइंटिस्ट है एंटोनी फॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, यही है एंटोनी सर हमारे, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का फादर।
हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, माइक्रोबायोलॉजी का फादर। ओके, इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही हमें माइक्रोब्स के बारे में बताया था। माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जैसे सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ओके, सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो जो सेल था वो डेड था, यानी मरा हुआ था। तो सबसे पहले लिविंग सेल यानी लाइव सेल्स की खोज किसने की थी? इन्होंने ही की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और वो लाइव सेल्स कौन से थे? बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोप के अंदर जिन्होंने बैक्टीरिया को देखा था। कैसे देखा था? उन्होंने बारिश के पानी, पॉन्ड्स में से, कुएं के पानी में से, ठीक है, अलग अलग सैंपल्स क्रिएट किए थे, ठीक है, जिसे उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है, और उन्हें कुछ मूवमेंट करता हुआ नज़र आया, ठीक है, उन्हें कुछ ऐसे ऐसे कीड़े जैसा मूवमेंट करता हुआ नज़र आया। और उन्होंने इन ऑर्गेनिज़म्स को, यानी जो जीव उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखे थे, जिस सैंपल्स को उन्होंने बारिश के पानी, कुएं के पानी में से कलेक्ट किया था, उन्होंने जब इसे माइक्रोस्कोप में देखा तब उन्हें ऐसे ऐसे कुछ मूव करते हुए दिखाई दिए थे, जिनका नाम उन्होंने रखा था एनिमल क्यूल्स। ओके, जिनका नाम उन्होंने रखा था एनिमल क्यूल्स। और इसी से बाद में उन्हें पता चला कि ये कुछ बैक्टीरिया भी थे, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है कैरोलस लिनेयस। ओके, यही है कैरोलस सर। इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बायोलॉजी में। ओके, ये किस लिए फेमस थे? फॉर क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हो गया? बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी प्लांट को दो टर्म्स के थ्रू एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है। ओके, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम हो गया होमो सेपियंस, ठीक है। मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें किसी जीव को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल नेम प्रोवाइड किया जाता है दो टर्म्स के थ्रू, ठीक है। वो दो टर्म कौन से होते हैं? जिसमें एक जीनस होता है, एक स्पीशीज होता है, जिसके बारे में जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कैरोलस लिनेयस के बारे में। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। यही है डार्विन सर, जिन्हें हम इवोल्यूशन का फादर कहते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन का फादर। इवोल्यूशन क्या हो गया? एक ऐसा चेंज हो गया किसी ऑर्गेनिज्म में जो बहुत सारे पीढ़ियों के बाद हमें नज़र आता है, ठीक है। जैसे कैसे हम इंसान पहले एक बंदर थे, ठीक है, जो कि आज हम ह्यूमन बन चुके हैं, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। ओके, ये इवोल्यूशन के थ्रू हुआ है कि कैसे बंदर से आज हम इंसान बन गए। ओके, इसके बारे में भी जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चार्ल्स डार्विन ने कैसी थ्योरी के बारे में बताया था? नेचुरल सिलेक्शन नाम की थ्योरी के बारे में, यानी नेचर सिलेक्ट करेगा कि किस ऑर्गेनिज्म को इस एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है या कर सकता है और कौन नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 10 रैट्स का एक ग्रुप, 10 रैट्स का एक ग्रुप एक नए एरिया में गया, ठीक है, 10 रैट्स का एक ग्रुप एक नए एरिया में गया जहां के रॉक्स जो है
वो डार्क है। अब इन 10 रेड्स में से मान लेते हैं 5 व्हाइट है, 5 ब्लैक है, ठीक है, यानी डार्क कलर के है। तो अब यहाँ का हम यहाँ क्या होगा अब कि जो 5 ब्लैक रेड्स है ना, वो इस रॉक्स में तो आराम से घुल मिल जाएंगे, मतलब पकड़ में तो नहीं आएंगे कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है आसानी से, जबकि 5 व्हाइट रेड जो है वो इन रॉक्स पर आसानी से नजर आएंगे। तो अब क्या होगा कि जो भी चील, बाज या पक्षी, मान लेते हैं कोई भी शिकारी, अगर अपने भोजन को खोजते खोजते इस रॉक्स के आसपास मंडराता है, तो उन्हें ये व्हाइट रैट्स आसानी से, यानी व्हाइट चूहे जो है वो आसानी से नजर आ जाएंगे और वो उन्हें पकड़ के खा लेगा, ठीक है। जबकि ये जो 5 ब्लैक रैट्स थे, काले चूहे जो थे, वो इन रॉक्स के, इन पत्थरों के डार्क कलर के वजह से आसानी से नहीं दिख पाए उन चील को, उन बाज को, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये 5 जो रैट थे ये तो खत्म हो गए। अब ये 5 ब्लैक जो रैट्स हैं, इन्हीं की पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो नेचर खुद सिलेक्ट करता है कि कौन सा जीव मेरे इन्वायरमेंट में रह सकता है, रहने के लायक है या नहीं है, ठीक है। इस थ्योरी को चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था, ओके। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, यही है मेंडल सर। इन्हें किन का फादर कहा जाता है? जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स क्या है? जिसमें हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, ओके। किसकी स्टडी करते हैं? हेरिडिटी की स्टडी। हेरिडिटी क्या हो गया? हेरिडिटी वो सारे कैरेक्टर्स हो गए जो हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, ठीक है, या किसी जीव को उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, वो हुआ हेरिडिटी। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है हेरिडिटी का? आई का कलर, हेयर का कलर, ठीक है। तो इसकी स्टडी जिन्होंने की थी वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। और जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? हेरिडिटी की स्टडी को। उसके बाद मेंडल सर ने ही इनहेरिटेंस के कुछ लॉज दिए थे। इनहेरिटेंस क्या हो गया? इनहेरिटेंस भी वही हेरिडिटी हो गई, यानी जो कैरेक्टर्स या जो चीज़ें हमें मिलती है अपने माता-पिता से, ठीक है, या किसी जीव को उनके पेरेंट्स से, ठीक है। और इन लॉज को देने के लिए मेंडलसन ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी यानी मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स, ठीक है, जो भी लक्षण हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। तो इसके बारे में जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। अब लास्ट साइंटिस्ट है हमारे एलेक्सेंडर फ्लेमिंग सर, यही है एलेक्सेंडर फ्लेमिंग। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा बायोलॉजी में? ये पहले तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी जो माइक्रोब्स की स्टडी करता है, माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया और बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। एंटीबायोटिक यानी जो बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करता है, वही होता है एंटीबायोटिक। और जो पहली एंटीबायोटिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग सर ने दी थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन, जो कि एक फंगस से मिलती है। फंगस क्या होता है? जैसे आपने एक ब्रेड को रख दो, बारिश के दिनों में ब्रेड को एक खुली जगह पर रख दो आप, तो आप कुछ दिन में देखोगे उस पे कुछ ग्रीन ग्रीन एक लेयर बन जाएगी,
ठीक है, उसके साइड्स पर और बीच में ग्रीन ग्रीन लेयर हो जाएगी, ठीक है, वही होता है फंगस। उसी फंगस से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनी है, ठीक है। और इन साइंटिस्ट के नाम को याद करने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, ताकि इनके नाम आप अच्छे से याद रख सको। वो ट्रिक है एरिस थियो कैरोल और चार्ल्स मेंडल की वैन में एलेक्स की पार्टी में पहुंचे, ओके, जिसमें एरिस मीन्स एरिस्टोटल, थियो मीन्स थियोफ्रेस्टस, कैरोल मीन्स कैरोलस लिनेस, चार्ल्स मीन्स चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, मेंडल मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल, वैन यानी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक और एलेक्स यानी एलेक्सेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इस तरह आप लोग इस ट्रिक को याद करके सातों साइंटिस्ट के नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी बायोलॉजी के कुछ ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में पता लग सके, नॉलेज मिल सके, और यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।